एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू बहुत ही अच्छा लड़का था और हर जगह अपनी साइकिल में घूमता रहता था। साइकिल में घूमना उसे बहुत पसंद था और वो अपनी साइकिल को कभी भी छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। बिट्टू की साइकिल उसके लिए उसकी जान थी। वो हर रोज साइकिल पर स्कूल जाता था और घर आने के बाद भी साइकिल पर ही घूमता रहता था। अपनी साइकिल के बिना वो अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करता था। एक दिन जब बिट्टू स्कूल से घर आने लगा तो उसने देखा कि उसकी साइकिल की सीट और हैंडल बार टूट गई है, जिसे देख बिट्टू का दिल टूट गया। उसने साइकिल को खड़ा होने के लिए झटका दिया, लेकिन साइकिल खड़ी नहीं हुई। बिट्टू ने साइकिल को अपने घर ले जाकर अपने पापा को दिखाया। उसके पापा ने कहा कि बिट्टू, ये साइकिल काफ़ी पुरानी हो गई है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। बिट्टू बहुत दुखी हुआ और साइकिल को अपने कमरे में रख दिया। उस रात बिट्टू साइकिल को देखते हुए सो गया। उसने सोचा कि साइकिल कैसे भी सही करेगा और फिर से अपनी साइकिल में घूमने जाएगा। उसने साइकिल को देखते हुए प्लान बनाया और सुबह होते ही काम शुरू किया। बिट्टू अपने पड़ोस से साइकिल सही करने का सामान लेकर आया और खुद ही साइकिल को ठीक करने लगा। वो हर रोज़ साइकिल को सही करने में लगा रहता था। एक दिन बिट्टू साइकिल सही करते करते परेशान हो गया और उदास होकर बैठ गया। तभी उसने देखा साइकिल खुद ही ठीक होकर उसके सामने आ गई और उस साइकिल से एक आवाज़ आने लगी। बिट्टू, मैं एक जादुई साइकिल हूँ। तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है और हमेशा मुझे अपने साथ रखते हो, इसलिए अब से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुन बिट्टू बहुत खुश होता है और अपनी साइकिल के साथ पहले की तरह घूमने लगता है।